अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और अपना श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है आपको ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली आपको सर्च करना है। जैसे ही लिखेंगे और इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको पहले लिंक पे ही आपको क्लिक करना है, ये आपकी वेबसाइट है। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक हेयर टू बुक ऑनलाइन। आप यहाँ पे इसको बुक ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने किया यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस तरह अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे एक ओटीपी आएगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना है यहाँ पे। इस तरह से आपको ओटीपी डालना है यहाँ पे। ओटीपी डालते ही आपको लॉगिन करना है। इससे पहले आपको कैप्चर पर क्लिक करना है और इस तरह का आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, नया पेज। और ओपन होते ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लेबर। पहले वाले में आप कॉलम आपको लेबर सिलेक्ट करना है, दूसरे वाले में भी आपको लेबर सिलेक्ट करना है, तीसरे वाले में आपको लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाते ही यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन रूरल रजिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर। और दूसरा यहाँ पे आप अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे न्यू आप श्रम कार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे रिन्यूअल होता है और यहाँ पे नया भी बनता है। तो आपको रिन्यूअल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको नया बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके देखिए इस तरह का पेज एक ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको सारी डिक्लेरेशन यहाँ पे डालनी है, जो भी आपके पास जो पूछ रहा है। जैसे कि डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, यहाँ पे 8 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और उनके नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आपके आप कोई भी नंबर यहाँ पे शो करते हैं, क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं होता सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा आपका था प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे अपना आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसका आप नंबर यहाँ पे डाल दीजिए आधार कार्ड का, वो आपका वैलिड हो जाएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। और बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपकी बैंक है उसका आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। इस तरह से आपको एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इशू, जो भी आप जिस कंपनी के या जिस ठेकेदार के पास आप काम करते हैं उसका आपको एक वो बना के देगा सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। सेल्फ अटैच आधार कार्ड, अपने एक आधार कार्ड का नंबर यहाँ डाल दीजिए और उसको साइन करके रख लीजिए। मेंबरशिप रिसीव अलॉन्ग विद द नंबर, और कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे भी आप नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर, क्योंकि कलर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो का कोई नंबर नहीं होता है, वो केवल ऐसे ही होता है, तो आप डाल दीजिए। उस सब का करने के बाद आपको कंटिन्यूस करना है। जैसे ही कंटिन्यूस करेंगे, कंटिन्यूस करने के बाद आपका सिटीजन डिटेल्स आ जाएगी, ये सेकंड आपका ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आपका सेकंड वाला खुलेगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट में आपको वो पूछेगा कि अपने इसमें वोटर आईडी कार्ड डालिए या आधार या पासपोर्ट या पैन कार्ड, इन तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ आपको फिल करनी है। जैसे ही फिल करेंगे उसमें आपको उसका नंबर डाल के और नीचे आपका पूरा नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सारा डालने के बाद आपको और उसके आगे आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपको आप आ जाएंगे थर्ड थर्ड पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स आती है, वहाँ पे आपको अपना टाइम और डेट सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें जो भी आपको टाइम डेट आपको सूटेबल है वो आप सिलेक्ट करके उस पर ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे वहाँ पे आपको तुरंत ही आगे जाके एक आपको पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपकी सारी कंफर्मेशन आ जाएगी और आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आ जाएगा। उस पर लिखा रहेगा कि आपकी जो भी आपने टाइम और डेट सेलेक्ट की है उस डेट पे आपका सरकार की तरफ से एक बंदा कोई मुआइंदा या कोई बंदा है आपके घर पे आएगा और वो आपका सारे काम जो भी डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट करने के लिए आएगा सारे डॉक्यूमेंट आपके वो लेके चला जाएगा।